ये बहुत ही सुंदर लहंगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ आ चुका है, तो हम भी जा रहे हैं शॉपिंग करने करवा चौथ का, क्योंकि करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सामान आज ही लेके आते हैं या फिर कल या परसों, कब लेके आते हैं देख दिखाऊँगी आप लोगों को। तो अभी जा रहे हैं भाभी और मैं, तो भाभी को हॉस्पिटल भी जाना है तो वहाँ भी जाते हैं, और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना है वो भी कर लेंगे। तो चलते हम मार्केट में पहुँच चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम ड्राई क्लीन के लिए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। रुको, तो गाइस हम दुकान में आ चुके हैं और ये अंकल जी दिखा रहे हैं ये बहुत ही सुंदर लहंगा। जब शादी करना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पे। तो हम आए यहाँ पे करवा चौथ की शॉपिंग करने, देखते क्या लेते हैं, क्या देखते वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये कितना प्यारा लग रहा है, वाओ, ये तो मुझे बहुत पसंद आया ना, आजकल यही चल रखा है, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन। और वैसे जी क्या हाल है? वेलवेट इसका ब्लाउज जैसा है, आसन है ये देखो, भाभी ले रहे हो तो शादी होगा तभी। ये क्या है, ये वाला साड़ी है क्या? ये वाला लहंगा ही है शायद, ये लांचा। देखो गाइस, एक ये साड़ी है, ये लांचा देखना था। आना भी इसको भी खोल दो ना यार, थोड़ा सूट वाला चिकन करी वाला सूट, ये वाला हाँ। कौन सा कलर लेते हो अभी देखती हूँ फिर। हाँ ये ब्लाउज इसका, मैं इसको देखती हूँ एक बार, इसमें हाथ कर मेरा दिल। ये ब्लाउज है, ऑनलाइन हमने हमारे लिए कॉल लाया था, बताया आपके कस्टमर ही ला रखे हैं खटीमा वाले। कैसा वाला है पूछो पहले। आ चुके हैं और भाभी पर्चा काट रही वहाँ पे, तो अभी भाभी दिखाएगी अपना जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके बाद फिर जाएंगे हम, कहाँ जाते फिर वे बताएंगे। पर्चा काटने का है नंबर, लाइन पे लग गई। तो गाइस हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और रिपोर्ट आने वाली था 1 बजे, तो हमने शॉपिंग भी कर लिया है, तो अब जाते हैं घर को, आधा शॉपिंग कल करेंगे, तो अभी टाइम नहीं है घर पे जाके खाना भी बनाने। और आपको पता है ये दीपावली की कितनी ज़्यादा तैयारी करनी है, सफाई करनी है, सब कुछ करना है, तो मैंने सारा कपड़ा बाहर सुखा के आ रही, तो वो भी करना है, खाना भी बनाना है, एक जिम्मेदार बहू की तरह। तो घर जाते फिर उसके बाद मिलते आपसे। दौड़ लो गाइस, जैसे कि बाज़ार से शॉपिंग करके आ गया और मेरा सामान भी आ चुका है ये देख सकते हो, और ये लोग भी अभी बाज़ार में मिले और भाभी आगे, तो अभी बहुत थक गए हैं। घर जाके दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई, क्या क्या नहीं लेके आई, तो सारा सामान मैं घर जाके दिखाऊंगी। तो गाइस जैसे कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मेरे करवा चौथ का शॉपिंग मैंने कर लिया, और क्या क्या बनाया मैं सब दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये पिछोड़ी जो मेरे पास नहीं था और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये मैंने ली है, यहीं से ली है लोकल मार्केट से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये ली है। तो इसका कपड़ा जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट है और इस बहुत प्यारा भी लग रहा है, तो इसको मैं ओढ़ के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा है, और ऐसे बैठने वाला कॉटन का, एक कॉटन का होता है वो बैठता नहीं है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया तो इसलिए मैंने ये ले लिया।
एक तो ये हो गया पिछोड़ा, तो बहुत ही सुंदर है और इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस, और ये बहुत ही बड़ी है और लंबी भी है। तो ये लिए मैंने पिछोड़ा, और करवा चौथ के लिए साड़ी बनाई है। तो ये है मेरा ब्लाउज, मैंने डोरी वाला ब्लाउज बनाया है, और ये हाफ है। तो देख सकते हो ये मेरा ब्लाउज सिला है मैंने, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी, इसका ब्लाउज और इसका साड़ी, ये वाला साड़ी देख सकते हो गाइस। करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी बनाया है, तो ये साड़ी है और ये ब्लाउज है। और एक मैंने ये सूट बनाया है, ये वाला जाड़ू का तो नहीं है, मतलब जाड़ू तो आ गया लेकिन पतला सूट मैंने कपड़े बनाया था, और इसका दुपट्टा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए तभी मैंने ये ले लिया। तो ये दुपट्टा है, और मैंने इसका प्लाजो वाला पैजामा बनाया है, ये देख सकते हो पैजामा। और इसका सूट है, सिंपल है, बॉर्डर है बस, और नेक में ना डिजाइन है, और ये ऐसे कुछ इस तरह है, ये देख सकते हो। और जो जो क्या कहते हैं सुहागन औरतों के लिए देते हैं, वो मैंने बस तीन ही तीन लोगों के लिए पांच पांच आइटम ले रखा है। तो फर्स्ट मैंने पांच जनों को दिया था, अब मैं तीन ही को देती हूँ। तो ये है नेल पेंट, और ये है मांग, और ये है बिंदी तीन, और ये रबड़ बैंड, और ये है चूड़ी, और ये है बिच्छी। तो ये हो गए सुहागन औरतों को देने के लिए, और ये मैंने अपने लिए लिया है, तो मुझे भी चाहिए था, तो अपने लिए थोड़ा एक निशान को लेना है, बट वैसे तो था मेरे पास, फिर भी मैंने ले लिए। और ये है करवा, ये तो हर साल लेना पड़ता है। और जो थाली वाली था वो मैंने मतलब फर्स्ट करवा चौथ में ले रखा था, तो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि वो अभी अच्छा ही है, तो फर्स्ट में लेते फिर दोबारा क्या करेंगे उतने से, तो एक ही आ जाता काम पे। और ये दो दिए, और ये करवा तो हर हमेशा लेना पड़ता चाहे हो ना हो, तो इसको ये मैंने लिए है। और ये लिए है मैंने दो की, जो मैं घर में लगाऊंगी मेहंदी अपने हाथों से। और मैंने एक एक ये भी लिया, तो गाइस देख सकते हो मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरे गले में नहीं थे, वो टूट गया था गाइस मेरा मंगलसूत्र। वैसे तो मैं गोल्ड का पहनूंगी, तो वो भी है, लेकिन ये डेली यूज़ के लिए मैंने ले रखा है। और जो मेरा पुराना था वो टूट गया गाइस, इसलिए मैंने ये डेली यूज़ के लिए ले रखा है। और इसमें ले रखा है मैंने, और एक ये भी हमेशा लेना पड़ता है गाइस, देख सकते हो मेन यही होता है धान की सी क्या कहते हैं। तो इसमें मैंने लिया है नारियल, जो बहुत ज़्यादा फुल पानी है इसमें, और केले रेल ले रहे हैं। तो ये तो करवा चौथ का सामान हो गया है। तो गाइस इतना ही था मेरा शॉपिंग, तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय।